नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये घटना है उत्तराखंड के धुनर गांव की, जहां सुमन नाम की महिला अपने पति और परिवार के साथ रहा करती थी। शादी के कुछ समय पश्चात ही सुमन गर्भवती हो गई, परंतु उसके सास ससुर नहीं चाहते थे कि घर में किसी पुत्री का जन्म हो। उनकी इच्छा थी कि उनका सिर्फ पुत्र हो और पुत्र ही इस घर का वारिस बने। देखते देखते 9 महीने का समय गुजर गया और जिस बात का डर था वही हुआ। घर में एक पुत्री का जन्म हुआ, जिससे सास ससुर नाखुश थे। एक दिन सास ससुर ने तय किया कि आज रात हम उस बच्ची को मार देंगे। ये सब सुमन ने सुन लिया। वो चुनती तो उठी और उसने जाकर सारी बातें अपने पति को बताई और जल्दी सुबह ही उठकर उस बच्ची को गंगा घाट पे ले गए। उस बच्ची को एक टोकरी में रखकर महादेव को याद कर गंगा में बहा दिया गया और कहा, महादेव इसकी रक्षा बस आप ही कीजिए। वे टोकरी गंगा नदी में बहते बहते उत्तराखंड के दूसरे गांव श्यामपुर पहुंच गई, जहां पर गंगा के घाट पर सूरज और संध्या नाम के एक दंपति शिव जी की प्रार्थना कर रहे थे। उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। तभी उन्होंने देखा कि एक टोकरी में उनकी तरफ बहता हुआ कुछ आ रहा है। उन्होंने उस टोकरी को पकड़ा तो देखा कि उसमें एक बच्ची है जो कि रो रही है। उन्होंने बच्ची को गोद में लिया और एक दूसरे से कहने लगे कि क्या उनके माता पिता की क्या मजबूरी रही होगी कि एक इस बच्ची को उन्होंने इस तरह बहा दिया। उन्होंने कहा, शायद महादेव का हमारी तरफ प्रसाद है जो उन्होंने एक संतान की प्राप्ति करवाई है। उस बच्ची को वह घर ले आए, उसका पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे बच्ची बड़ी होने लगी। पढ़ने में बहुत होशियार थी, क्लास में हमेशा अव्वल आया करती थी। देखते ही देखते वह बच्ची बड़ी हो गई और मात्र 21 वर्ष की आयु में UPSC की परीक्षा उत्तीर्ण कर IAS अफसर बन गई। वह अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे से कार्य कर रही थी, उसे लोग जानने लगे थे। सुमन ने एक दिन उस बच्ची को TV पर आते हुए देखा। वह उसके गाल पर जो दिल था उसे पहचान गई और समझ गई कि ये किसी और की नहीं बल्कि उन्हीं की बच्ची है। उन्होंने अपने पति से कहा कि ये हमारी बच्ची है। उनके पति ने पता किया कि श्यामपुर गांव पहुंचे। उसने उस बच्ची को सारी हकीकत बताई, सूरज संध्या को सब कुछ बताया कि किस प्रकार उसने उसके पति ने उस बच्ची को टोकरी में रखकर गंगा में बहा दिया। सुमन की सारी बात सुनकर उस बच्ची को बहुत गुस्सा आया कि उसके माँ बाप उसे इस तरह कैसे छोड़ सकते थे। सुमन चाहती थी कि उसकी बेटी उसके साथ वापस आ जाए, परंतु उसने मना कर दिया। घर पहुंचकर सुमन अपने सास ससुर को सारी बात बताती है। ये सुनकर उन्हें बहुत पछतावा होता है। उस बच्ची को गंगा नदी में बहाने के बाद सुमन और उसके पति को दूसरी संतान की प्राप्ति नहीं हुई और इस प्रकार महादेव ने एक बच्ची की जान भी बचाई। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेगा अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।